नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट अनवन में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस और देखेंगे कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। तो देखिए, कल का दिन है एक्सपायरी, कल नवंबर एक्सपायरी रहेगी, तो कल थोड़ा वॉलीटिलिटी बढ़ सकती है। उसी चीज़ को मद्देनज़र में रखते हुए हम लोग ट्रेडिंग करेंगे आज। जिसने भी कल का वीडियो देखने के बाद ट्रेडिंग किया है, आई होप सो बहुत तगड़ा पैसा बना होगा। तो रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता सकते हैं कि आपको कौन से स्टॉक्स में या हमारे इंडेक्स में जो हमने टेलीग्राम में बताया था उसमें प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर। तो निफ्टी में देखिए, हम कल भी यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी में जो इतनी तेज़ गिरावट आई है, एक बाउंस बैक बनता है और वापस से एक बार नीचे की सेलिंग बन सकती है। अब उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप ओआई डेटा जाके देखोगे तो ओआई डेटा आपको बहुत कुछ बता देगा कि ओआई में आप जब नीचे जाओगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और प्राइसिंग जो है वो नीचे आई है। इसका मतलब ऊपरी लेवल्स पे शॉर्ट्स क्रिएट हो रहे हैं और यही चीज़ हम आपको कल भी कह रहे थे कि अगर आपको निफ्टी में बाइंग करना है तो 550 जैसे ही क्रॉस करेगा इसके बाद आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं और जिसका आपका टारगेट 620 रह सकता है। आज निफ्टी ने 600 का हाई लगाया है, ये देखिए आज निफ्टी ने 600 का हाई लगाया है और एग्जैक्टली निफ्टी वहीं से घूम गया है। तो बताने का रीज़न यही था कि ऊपर की तरफ निफ्टी स्ट्रांग नहीं लग रहा है। यूजुअली हम लोग क्या देखते हैं कि बैंक निफ्टी जो होता है वो निफ्टी को सपोर्ट करता रहता है और बैंक निफ्टी ही निफ्टी को ऊपर या नीचे ले जाने में काफ़ी हद तक पुश करता है। लेकिन अब थोड़ा सा सिनारियो चेंज हो गया है। अभी क्या हो रहा है कि निफ्टी जो है वो लैगार्ड हो रहा है, निफ्टी थोड़ा सा वीक हो रहा है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्लियर क्लियर शॉर्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं और कल के ट्रेडिंग सेशन में सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो हमें लगता है वो रहने वाला है 17,350। ये लेवल बहुत क्रूशल होने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन में, ये आज का लो है। तो अगर इस लेवल को कल निफ्टी ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो आपको यहाँ पर बहुत तेज़ी से एक बार 200 या 250 तक के 100 से 150 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब उसमें भी वापस मैं वही कहता हूँ कि ओआई डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ओआई में जाके देखोगे तो ये आपको कहानी समझ में आ जाएगी बड़ी क्लियरली। देखिए, अगर 300 के आसपास या 350 के आसपास ब्रेक करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो 500 पर, 450 पर और 400 पर जो पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, ये मिला के ऑलमोस्ट 90 लाख के आसपास शेयर्स होते हैं, 90 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब ये 90 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ये ट्रैप होते नज़र आएंगे और जब इसमें से इनको निकलना पड़ेगा तो एक बार बिक वाली हावी हो सकती है। तो यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग आप देख सकते हो अगर 350 के नीचे आता है तो। जब तक 350 के नीचे नहीं आता है सेलिंग नहीं करना है। हो सकता है अगर बीच में मार्केट खुले और 350 के पास आके अगर सपोर्ट ले तो कुछ इस तरह से ही मार्केट निकल जाएगा ऊपर। जब तक 600 का लेवल ब्रेक ना करे हमें यहाँ पर बाइंग नहीं करनी है, क्लियर है। 600 के लेवल के बाद ही बाइंग करेंगे अगर लगेगा तो। कल के दिन निफ्टी में ट्रेड नहीं करेंगे लेकिन लेवल्स हमारे इंटैक्ट रहने चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी आपको निफ्टी से कंपैरेटिवली बेटर प्लेस लग रहा है। हमने बैंक निफ्टी में भी जो कल लेवल्स दिए थे वो क्या लेवल्स बताए थे, 37,500 अगर क्रॉस करेगा तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए 38,000 का। उसके ऊपर आपका टारगेट नहीं आता है क्योंकि देखिए, ये वाली जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, ये वाली ट्रेंड लाइन 38,000 के आसपास कहीं तो भी यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि आ सकता है। आज का हाई देखिए क्या है, 37,000 ऑलमोस्ट 900, तो यहाँ पर भी 400-500 पॉइंट के आसपास का पैसा बना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, बार बार मैं हमेशा कहता हूँ कि आप होमवर्क कीजिए, अगर आप होमवर्क सही से करेंगे तो आपके लिए ट्रेडिंग बड़ा आसान हो जाएगा। अब यहाँ क्या हुआ है, आज मार्केट ऊपर गया है, ऊपरी लेवल पर इसने आज वापस से शॉर्ट्स देखे यहाँ पर, जो मतलब ऊपर सेलिंग हुई है तो नीचे आ गए हैं यहाँ पर। कंपेरेटिवली टू निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग है लेकिन बैंक निफ्टी में भी सेलिंग हावी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगी क्योंकि देखिए, पैटर्न जो है, प्राइस एक्शन जो है वो क्लियर क्लियर डाउन ट्रेंड बता रहा है। आज ऊपर गया है, अब वापस नीचे की तैयारी हो सकती है। और नीचे सेल कहाँ से करना है, तो नीचे सेल करने के लिए सबसे परफेक्ट लेवल जो रहेगा वो रहेगा 37,200। थोड़ा दूर लग सकता है आपको लेकिन मैं कहूँगा जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते हो। ये ब्रेक होने के बाद आपको 350 से 500 पॉइंट बहुत तेज़ी से मिलेंगे। अगर आप थोड़ा रिस्क टेकिंग प्लेयर हो तो मैं आपसे कहूँगा
37,300 पर आप सेल कर सकते हो, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर, 100 से 125 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर आप सेल कर सकते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ रिस्की प्लेयर हो तो ही, वरना फिर आप 37,200 का वेट कीजिए, उसको ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद ही आप सेल कीजिए। बैंक निफ्टी में भी आप अगर OI जाके देखोगे तो बैंक निफ्टी में सिमिलर स्टोरी बन रही है। मैं आपको जहाँ दिखा देता हूँ, ऑप्शन डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये आपको एक्चुअली में एक पिक्चर क्रिएट करता है कि कल क्या हो सकता है मार्केट में, कहाँ पर ज़्यादा पोजीशंस बैठी हुई हैं, कहाँ पर सेलर्स बैठे हैं, कहाँ पर बायर्स बैठे हैं। तो अगर आप बैंक निफ्टी का OI डेटा देखोगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि 37,000 और 38,000 ये दो गोल पोस्ट हो गए हैं, ये दो गोल पोस्ट के बीच में सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि ये दो लेवल्स कल के सेशन में ब्रेक होते नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि 200 अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पर जो 37,000 के सेलर्स हैं ये पैनिक होते नज़र आ सकते हैं, इसीलिए जैसे ही ये ब्रेक होगा यहाँ पर बहुत तेज़ी से गिरावट आ सकती है ऊपर की तरफ। 38,000 मुझे नहीं लगता है कल ब्रेक होते नज़र आएगा, हालांकि थोड़ा सा ओवरसोल्ड है मार्केट, लेकिन जब भी बाउंस आएगा ये 38,000 के आसपास इसमें वापस से सेलर्स आके इसको ज़ोरदार कॉल राइटर्स जो है ऊपर से दबाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम कल बैंक निफ्टी और निफ्टी को ट्रेड करेंगे। आप देखते हैं विक्स थोड़ा सा ठंडा हुआ है, आज कूल हुआ है 5% के आसपास। ऑप्शन राइटर्स कल थोड़ा सा सावधानी से ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि देखिए किसी भी एक तरफ वाइल्ड मूवमेंट आ सकती है, मंथली एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर आप गोल्ड को देखोगे तो गोल्ड में यहाँ पर देखिए मैं कह रहा हूँ कि डबल टॉप बना हुआ था, यहाँ पर 47,300 के आसपास आ गया है। मुझे लगता है कि प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लेना चाहिए और हमें एक बार वेट करना चाहिए फ्रेश पोजीशंस क्रिएट करने से, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर थोड़ा मुझे लगता है कंसोलिडेट हो सकता है, कंसोलिडेट होकर वो नया अपना जो भी मूवमेंट है स्टार्ट करेगा। क्रूड ऑयल 5500 का हमारा लेवल नहीं आया है, लेकिन मुझे अब लगता है ये नो ट्रेड जोन में है, ये इस तरह वोलेटिलिटी करता रहेगा, स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे, तो क्रूड ऑयल से थोड़ा सा दूर रहिए। कल हमने कुछ स्टॉक्स बताए थे ट्रेडिंग करने के लिए, पहला था एक्सिस बैंक। देखिए एक्सिस बैंक में हमने कल कहा था कि आज अगर बाउंस करना है तो सबसे अच्छा एक्सिस बैंक रहेगा, 690 के ऊपर निकलता है तो बाय करेंगे, 95 और 700 ये हमारे दो टारगेट रहेंगे। आज इसने ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट टारगेट हिट किया है, क्योंकि देखिए जो बाउंस बैक आया था वो हमें क्लियरली दिखाई पड़ रहा था एक्सिस बैंक में। जो सेकेंड स्टॉक हमने बताया था आज के लिए वो बजाज ऑटो, बजाज ऑटो में क्लियरली कहा गया था कि 3460 के ऊपर अगर निकलता है 3460 तो ही बाय करना है, वरना बाय नहीं करना है। इसको आप लिख के रख लीजिए कहीं जी, क्योंकि 3460 के ऊपर जाएगा तो मैं तो एंट्री ले लूँगा, लेकिन हो सकता है उस टाइम मैं आपको बता ना पाऊँ। तो 3460 के ऊपर निकलेगा तो ही बाइंग करना है। भारतीय एयरटेल बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ है इसमें आज, और हमने इसको कल ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। अब जो कुछ स्टॉक्स हमने कल के लिए शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं वो है इन्फोसिस, पहला स्टॉक है हमारा। यहाँ पर इन्फोसिस एक ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लेते नज़र आ रहा है, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर सपोर्ट लेते नज़र आया है इन्फोसिस, और मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आता है, देखिए सबसे पहले ये था और ये सेकेंड टाइम यहाँ पर आ रहा, तो अगर यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आता है 1685, मैं थोड़ा दूर के लेवल देता हूँ क्योंकि क्या होता है बार गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो लोग थोड़ा सा फंस जाते हैं, 1685 के नीचे आता है तो हम लोग इन्फोसिस को सेल करेंगे। मुझे लगता है यहाँ पर आपको 20 से 25 रुपए आराम से मिल सकते हैं कल के इन्फोसिस के ट्रेड में। जो अगला स्टॉक शॉर्टलिस्ट किया है ये है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड को मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, बहुत अच्छा वन वे रन दिखा रहा था ये, लेकिन आज ये स्पिनिंग टॉप जो बना हुआ है ये मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। 202 के नीचे अगर आता है तो सेल करना है, यहाँ पर 200 रुपये का पहला टारगेट रहेगा, और फिर अगर वो टारगेट मीट हो जाता है तो फुल्ली प्रॉफिट बुक नहीं करना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, 196 का फाइनल टारगेट हमारा रह सकता है यहाँ पर पावर ग्रिड में। जो तीसरा स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा, तो आज दो डेडिकेटेड वीडियो आएंगे अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो। एक आएगा पिडलाइट के ऊपर, बहुत तगड़ा प्रॉफिट हुआ है, हमने आज कहा था टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कि पिडलाइट को आपको सेल करना है। यहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखिए पिडलाइट वीक हो रहा है बिलो 2300 और 2230 तक गया है ये, तो बहुत ज़ोर से गया है। जबकि दिया का भी ट्रेड ये नहीं कि सुबह दिया है दोपहर में 2:30 बजे, और आज ऑप्शंस में जो धमाल हुआ है ऑप्शंस में बहुत मज़ा आया है आज, हमने जितने भी ट्रेड्स कहे थे ज़बरदस्त प्रॉफिट होते नज़र आया है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हो तो ज़रूर वोटिंग करना, आप यहाँ मैंने वोटिंग डाला हुआ है
कि कितने लोगों ने ट्रेड देखा है सिर्फ, कितने लोगों ने ट्रेड ही नहीं लिया, या फिर कितने लोग सॉरी प्रॉफिट नहीं कमा पाए, और कितने लोगों ने यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। ये वोटिंग से मुझे ये हेल्प होगी, मुझे ये समझ में आएगा कि कितने लोग एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, जो मैं डाल रहा हूँ ट्रेड वो सच में फ़ायदे के हैं या नहीं हैं। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा लोग प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं तो ये ट्रेड्स मैं शेयर नहीं करूँगा। फिर आगे चल के देखते हैं, टाटा मोटर्स पर हम डिस्कस कर रहे थे, तो टाटा मोटर्स में देखिए यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है, और जो बहुत डबल टॉप एक बना था यहाँ पर, ये नीचे आके अब ये नेगेटिव पैटर्न बना रहा है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन में 485 के नीचे अगर आता है तो यहाँ पर एक सेल बन सकता है। आप यहाँ पर 7 से 8 रुपये के आसपास का टारगेट या 10 रुपये के आसपास का मैक्स टू मैक्स टारगेट देख सकते हो। यहाँ पर आप 5 रुपये का छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एक मैं कहूँगा पिक नहीं है, लेकिन स्टॉक को रडार पे रखना है ज़ील। इसको हमने लास्ट टाइम भी कहा था 322 के ऊपर, और 322 के लास्ट टाइम जब ये गया था तो इसने अच्छा खासा 335 तक का रन दिखाया था। आज भी ऑलमोस्ट वही लेवल के आसपास है, तो यहाँ पर नज़र बना के चलिए 340 क्रॉस होने के बाद ये बहुत तेज़ भाग सकता है, तो इसको सिर्फ रडार पे रखना है। कल ट्रेडिंग के लिए नहीं कह रहा हूँ, रिस्की प्लेयर्स आप अपने हिसाब से इसमें पोजिशन ले सकते हो, लेकिन इसको मैं रडार पे रखने वाला हूँ। तो ये थे कुछ स्टॉक्स और इंडेक्स एनालिसिस वीकली एक्सपायरी के हिसाब से। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, अगर आपको हमारे वीडियो से प्रॉफिट हो रहा है तो कमेंट डालना मत भूलिए, जिससे कि बाकी लोगों को भी मोटिवेशन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।